नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। किसानों के विरोध का असर, पंजाब के कारोबारियों को हो रहा रोजाना 1000 करोड़ का नुकसान, मुश्किल में दिल्ली का पर्यटन उद्योग। किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारोबार पर भी मार पड़ रही है। सिर्फ पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में प्रतिदिन 3000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार प्रभावित हो रहा है। अकेले पंजाब को 800 से 1000 करोड़ रुपए रोजाना का नुकसान उठाना पड़ रहा है। चिंतित कारोबारियों ने सरकार से अपील की है कि जल्द समाधान निकाला जाए ताकि नुकसान रोका जा सके। पंजाब व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्यारेलाल सेठ एवं महासचिव समीर जैन ने कहा कि अगर इसी तरह अर्थव्यवस्था पर चोट लगती रही तो देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष अमित कपूर ने कहा कि 90% से अधिक माल सड़क मार्ग से ही पंजाब में पहुंचता है। ट्रकों की आवाजाही प्रभावित होने से कारोबारियों को माल की किल्लत महसूस होने लगी है। जरूरी दवाइयाँ अन्य राज्यों से नहीं पहुँच पा रही है। इंडस्ट्री के पास 10 दिन का ही कच्चा माल। लुधियाना का उद्योग जगत भी चिंतित है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व अध्यक्ष एवं लुधियाना हैंड टूल एसोसिएशन के अध्यक्ष एससी रलहन ने कहा कि कच्चे माल की आमद ना होने से इंडस्ट्री की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। इस समय मटेरियल को लाना और ले जाना सबसे बड़ी चुनौती है। इंडस्ट्री के पास अगले 10 दिन का ही कच्चा माल है। एवन साइकिल लिमिटेड के CMD ओंकार सिंह पाहवा के मुताबिक पिछले 3-4 दिनों से स्थिति विकराल हो रही है। ऐसे में एहतियात के तौर पर अभी कंपनी की प्रोडक्शन को 30% कम कर दिया गया है, क्योंकि अगर ज़्यादा स्टॉक हुआ तो लेबर को काम के बिना ही बैठना पड़ेगा। लुधियाना ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान जनक राज गोयल ने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन पर असर अधिक है, समय और खर्च दोनों बढ़ गया है। मुश्किल में दिल्ली का पर्यटन उद्योग, होटलों की बुकिंग में 40% तक गिरावट। किसानों के दिल्ली कूच से दिल्ली का पर्यटन उद्योग मुश्किल में आ गया है। न सिर्फ होटल के कमरों की बुकिंग में गिरावट आई है बल्कि पहले हो चुकी बुकिंग को भी निरस्त किया जाने लगा है। इसमें देसी विदेशी दोनों पर्यटक हैं। दिल्ली में पर्यटन से जुड़े लोगों के अनुसार किसानों के दिल्ली कूच करने और उन्हें रोकने के लिए बॉर्डर पर भारी सुरक्षा व्यवस्था से बाकी राज्यों से दिल्ली का सड़क मार्ग प्रभावित हो गया है। पर्यटकों की मौजूदगी बमुश्किल 30%। जाम और असुरक्षित हालातों से बचने के लिए दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है। होटल महासंघ के अध्यक्ष अजय अग्रवाल के अनुसार अगर पहाड़गंज को ही लें तो यहां 700 से अधिक होटलों में 14,000 से अधिक कमरे हैं, जिसमें एक दिन में तकरीबन 25,000 लोग रुक सकते हैं। अमूमन यहाँ के होटलों के कमरे 80 से 90% तक भरे रहते हैं, लेकिन 2-3 दिन से बुकिंग पूरी तरह से बंद है। इस स्थिति में कमरों में पर्यटकों की मौजूदगी बमुश्किल 30% रह गई। हिमाचल में उत्पादन प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, BPN में उद्यमियों ने उत्पाद कम कर दिया है। औद्योगिक क्षेत्र से दिल्ली की तरफ जाने वाले ट्रकों को कई रूट बदलने पड़ रहे हैं, इससे ट्रक ऑपरेटरों को नुकसान हो रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन। शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।